हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल समय अकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा होगा व्यंजकों का जोड़। आज स्टार्ट करते हैं व्यंजकों का जोड़। ये आपका व्यंजकों का जोड़ है। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन को जोड़ा है, को जोड़ी है। ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन को जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं, सारे नियम वही हैं। सिर्फ ये आपका चल चल यहाँ पे चल से नौ जोड़ना है, वहाँ पे ऐसे सुन कर दिया जाती थी। अब देखिए ये जोड़ने के लिए सबसे पहले लड़के क्या है, इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं तीन का तीन पर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। इसे मान लेते हैं क्यू, आपका क्यू बराबर यू देगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। अब दोनों जोड़ते हैं, ये पूरा पी प्लस क्यू, इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। ये इतना आपका हो गया। अब इसे ऐड करना है, ये ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। अब देखिए इसमें जोड़ना कैसे होता है, जो भी जैसे मतलब कि जो सेम संख्या जैसे एक्स की पावर टू है, यहाँ पे एक्स की पावर टू है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये आपका यहाँ पे थ्री, यहाँ पे आपका बन गया वन, तो थ्री प्लस वन फोर आ गया, तो जाएगा फोर एक्स की पावर टू प्लस, अब ये एक्स की पावर वन है एक्स की पावर वन, इनको ऐड कर लेते हैं तो फाइव प्लस टू कितना आ जाएगा सेवन, सेवन एक्स प्लस, अब ये फाइव प्लस वन मिल जाएगा कितना हो जाएगा सिक्स। ये आ गया आपका जोड़ने पे, यहाँ पे वन में थ्री जोड़ेंगे तो आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस, और फाइव में टू जुड़ेगा आ जाएगा आपका सेवन एक्स प्लस फाइव प्लस वन आ जाएगा आपका सिक्स। ये आपके व्यंजकों का जोड़ हो गया। अब इसी तरह से व्यंजकों का घटाना है। देखिए घटा के बताया जाता है व्यंजकों का घटाना, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये है आपका व्यंजकों का घटाना। व्यंजकों का घटाना अब देखिए इसमें करते हैं, इसमें भी मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन का लेते हैं। देखिए जैसे आपका आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव में टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर को घटाइए, को घटाइए, वैसे ही करना है। देखिए इसमें अब ये आ जाएगा, मान लेता है माना P इक्वल आ जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसे मान लिया जाए क्यू, या आ जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। फिर वैसे करते हैं, इसमें घटाना है तो हो जाएगा P माइनस क्यू, ब्रैकेट में लिखिए इसे, ये आ जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। आगे आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, अब इसमें माइनस का चिन्ह लगा दें क्योंकि हमें घटाना है, यह आ जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर।
अब ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बात हो तो नियम पता ही होगा, यहाँ पे प्लस होता है प्लस माइनस, ओके माइनस हो जाएगा माइनस 2x². अब इसके बाद ये माइनस प्लस गुणा मल्टीप्लाई का होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस हो गया आपका 5x। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया आपका माइनस 4। अब इसमें देखिए करते हुए वही प्रोसेस है जो अभी जोड़ने में किया गया, वही इसमें भी करना है, वैसे ही घटाना जोड़ना है। जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो 3 - 2 कितना होगा 1, मतलब 1x². अब उसके बाद 5 - 5 + 4 या देगा आपका -1x या x लिख सकते हैं, प्लस ये आपका 5 - 4 आ जाएगा +1। इसे नल बीन दीजिए तब भी मान लिया था 1 है। ये आपका आ गया व्यंजकों का घटाना, यहाँ पे ये आ गया आपका व्यंजकों का घटाना। अब उसके बाद ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये सिंपल है, मतलब साधारण है, जनरल है। अब चलते हैं ये आपके गुणे की तरफ। अगला आपका गुणा है व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा। चलिए देखिए इसमें करते हैं गुणा कैसे होगा, गुणा भी कैसे होगा। देखिए आ जाएगा आपका ये 5x² प्लस 2x प्लस 1 में आ जाएगा आपका 3x² प्लस x प्लस 1 को गुणा करिए, को गुणा कीजिए। चलिए करते हैं, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्व कीजिए, ये आपका परेशान हो गया, ये आपका सोल्यूशन इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे कैसे, इसमें मल्टीप्लाई करना है, मान लेते हैं माना इक्वल 5x² प्लस 2x प्लस 1, क्यू इक्वल 3x² प्लस x प्लस 1। फिर से भाई मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब p इंटू क्यू, ये आ जाएगा आपका 5x² प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करने के बाद दीजिए लगा दीजिए 3x² प्लस x प्लस 1। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले तो ये एक एक अंक से हम इसमें गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे 5x² है तो इसमें गुणा कर लेंगे, फिर इसमें फिर इसमें, फिर इसको छोड़ देते हैं, फिर 2x लेंगे, 2x से ऐसे क्लासेस करेंगे फिर से, फिर उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, फिर 1 लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी जुड़ेगा घटेगा उसे जोड़ा घटाया जाएगा। चलिए करते हैं आगे, देखिए 5 से 3 में हम जब गुणा करेंगे 5 से 15 और x की घात 2 यहाँ पे है, x की घात 2 यहाँ पे है, x की घात 2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, गुणा की घात छूट जाती है तो आपको पता ही होगा कि x की घात आ जाएगा आपका 4 प्लस 5 से इसमें करेंगे यहाँ पे 1 माना जाता है, तो 5 की घात 5 x की घात 2 x की घात 1 आ जाएगा आपका x की घात 3 प्लस ये आ जाएगा आपका, जब 1 से इसमें करेंगे तो वही संख्या छूट जाती है क्योंकि 1 का गुणा वही होता है जो उसमें संख्या होती है, 5x² आएगा। अब उसके बाद इसे 5x² छोड़ देते हैं क्योंकि इसका गुणा हो गया, अब 2x लेते हैं, 2x को भी ऐसे गुणा करते हैं, तो 2 से 3 में जब हम गुणा करेंगे 2 से 3 से x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर 2 है यहाँ पे, तो आ जाएगा कितना x की पावर 3। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 3 प्लस यहाँ तो जब 2x से x में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 था ये 2 ही करना, 2 x की घात 1 हो जाएगा x की घात 2। अब उसके बाद प्लस 2x से जब 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x, यहाँ पे 2x से जब 1 में गुणा करेंगे 2x आ गया। अब इसको भी हम छोड़ देते हैं,
अब उसके बाद पकड़ते हैं वन बचा है हमारा, वन से गुणा करवाते हैं, वन से जब गुणा करेंगे ये भी सब सारी संख्याएं उधर आ जाएंगी यहाँ पे। चलिए लिखते हैं, ये आ जाएगा, देखिए इधर स्पेस कम है, ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस एक्स प्लस वन, वन से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, आ गया 3x² प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए इसमें कुछ जोड़ते घटाते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ने घटाने के लिए सबसे बड़ी जो हायर पावर होती है, बड़ी घात होती है, उसी को सबसे पहले चूज करते हैं। यहाँ पे x की पावर 4 बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रही है, उसके बाद ये अकेला ही है और कहीं भी कुछ है नहीं, x की पावर 4, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। क्या देखा ग्यारह एक्स की पावर थ्री प्लस, अब उसके बाद दो पे चलते हैं क्योंकि थ्री के बाद टू आता है, ये आ गया आपका 5x² प्लस 2x², ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे भी थ्री है, ये हो जाएगा 5 2 7 7 3 10 प्लस 10x², ये आता आ गया 5 प्लस 2 प्लस 3, आ जाएगा 5 × 2 = 5 × 7 = 7 × 3 = 10 प्लस। अब चलते हैं हम एक घात की ओर, यहाँ पे बचा आपका 2x बचा है, 2x में 1x जुड़ेगा कितना होगा 3x प्लस, अब यहाँ पे 1 बचा है, 1 को ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका व्यंजकों का गुणा हो गया 15x⁴ प्लस 11x³ प्लस 10x² प्लस 3x + 1। अगर इसमें पावर्स को, जैसे पावर्स की बात आए कि इसमें सबसे घात, सबसे मतलब कि घात कौन क्या होगी, इसमें पावर शक्ति हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी 4, पावर इसकी 4। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, यह आपका क्वेश्चन है, उसके बाद इसको हमने मान लिया p और q के रूप में। अब यहाँ पे दोनों को हमने ब्रैकेट से ब्रैकेट में रख दिए गए, अब उसके बाद एक एक डिजिट संख्या अंक लेकर हम इनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5x² से 3x² में मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 5x² है, फिर उसमें x में होगा, फिर 5x² फिर 1 में होगा, फिर इसको हम छोड़ देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद 2x पे चलते हैं, 2x से भी ऐसे करेंगे, 2x से पहले 3x² में होगा, फिर उसके बाद 2x से x में होगा, फिर 2x से 1 में होगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब इसे भी छोड़ देते हैं, अब करते हैं 1 को, 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 1 से जिसमें जिस संख्या में गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है, तो आपका आ जाएगा 3x² प्लस x प्लस 1। अब आपका जब इसमें जोड़ेंगे गुणा करेंगे घटाएंगे तो आपके ये इतने व्यंजक प्राप्त हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं व्यंजकों का भाग। देखिए इसमें चार टॉपिक होते हैं, व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये चारों आपको सीखना है। इसमें 3 हो गया, गुणा भाग रह गया, भाग भी बता दिया जाता है। देखिए आगे इसमें भाग में व्यंजकों का भाग, चलिए कोई भी संख्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे करिए, जैसे आपको x प्लस 3 दिया गया है, में x प्लस 3 में x² प्लस 7x प्लस 15 में भाग दीजिए, चलिए करते हैं। अब इसे हमें भाग देना है, सबसे पहले करते क्या, इसे भाग हम करते हैं वैसे ही करेंगे, x + 3 x² + 7x + 15, ये आपका आ गया, ऐसे बना लेते हैं। अब उसके बाद भाग करते हैं, देखिए भाग वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम पहले करते आए हैं, सबसे पहले x से x में x² में गुणा कराएंगे, कितनी बार जाएगा, अगर हम यहाँ पे x ले लें, x से x में गुणा कराएंगे कितनी बार देगा x², अब उसके बाद 3 से x में गुणा कराएंगे कितना आएगा प्लस में 3x,
अब यहाँ पे आपको पता ही होगा ये आपका घट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, प्लस माइनस होकर कट गया, सेम लग गया। अब सात में से तीन यहाँ पे घट जाएगा, कितना जाएगा 4x प्लस में कितना ये 15 नीचे उतर जाता है, 15 उतर गया। अब उसके बाद देखिए अब 30 में भाग करना है, अब करेंगे हम किससे, कितनी बार देगा ये 4 से करते हैं, 4 से जब x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4x प्लस, अब 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 312। अब यहाँ पे माइनस यहाँ ये कट गया आपका, और 15 में से 12 कटे कितना आएगा 3। ये आपका भाग वीडियो है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, इससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो इसको बना के भेज दिया जाए। धन्यवाद।